रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है काफी बच्चों का डाउट होता है सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है तो आज एकदम क्लियर हो जाएगा बिजनेस कर रहा हूं मैं कोई उस बिजनेस को करने के लिए डे टू डे कोई खर्चे होते होंगे मेरे बहुत सारे डे टू डे जो एक्सपेंस होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए ताकि बिजनेस आसानी से चलता रहे जैसे घर में कुछ खर्चे होते हैं घर को चलाने के लिए डे टू डे दे, डेली हम कुछ खर्चे करते हैं वैसे बिजनेस को चलाने के लिए ठीक है ना डे टू डे कुछ एक्सपेंस होते हैं डेली कुछ खर्चे होते हैं उन्हें ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर क्या लिखना है आप उसको देखेंगे एनी एक्सपेंडिचर बेनिफिट रिसीव्ड करेंट ईयर ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता लंबे समय तक नहीं मिलता बल्कि करंट ईयर में ही उसका फायदा मिलता है वो खर्चा हमारे लिए क्या कहलाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें ट्रेडिंग एंडल अकाउंट के डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं आई होप क्लियर होगा आगे चलते हैं नोट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम इसलिए करते हैं ताकि हम मेंटेन कर सकें ठीक है ना मेंटेन कर सकें जो उसकी कैपेसिटी है जो उसकी एफिशियंसी है उसको मेंटेन करने के लिए हम करते हैं क्लियर है जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं इंक्रीज करने के लिए क्लियर है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ये आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिग्ड शेट्स मैंने कोई फिग्ड शर्ट्स बेची है मैंने बिल्डिंग बेची बिल्डिंग बेचने से मुझे लॉस हुआ तो वो क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ठीक है ना क्लियर है आगे चलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिग्ड सेट्स फिग्ड शर्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस जैसे ऑफिस की सैलरी ऑफिस का रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंसिस और सेलिंग एक्सपेंस में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती थी तो मैंने डिटेल में लिख के दे दिया है यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं आपके ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं जैसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा है लाइटिंग का खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम है लीगल चार्जेज है ऑडिट फीस है ट्रेवलिंग एक्सपेंस है ट्रेवल एक्सपेंस है सेलिंग एक्सपेंस के अंदर ऑन सेल्स है एडवर्टीजमेंट है कमीशन है ये कुछ खर्चे यहाँ पर दे रखे हैं